हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DHD होम। तो दोस्तों, मैं भारत आपके लिए अब की बार जो घर लेके आया हूँ, जो फ्रंट से है 12.5 मतलब 12.5 फीट की इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 45 फीट है। जी हाँ दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैंने घर का डिज़ाइन तैयार किया है, जो कि सिर्फ एक सिंगल वे गैलरी वेव में आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक साइड से गैलरी है, उसके साइडों में सारे कमरे हैं या फिर जो भी है आपने प्रॉप्स यूज़ कर रखे हैं घर के अंदर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ थोड़ा सा भी अगर समझ में आए, अगर ये घर थोड़ा सा भी किसी को अच्छा लगे तो सिर्फ कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपके लिए ऊपर के डिज़ाइन भी तैयार कर दूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, डिज़ाइन अच्छा लगे, सिर्फ लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी ऊपर की तरफ से। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पीछे की तरफ इसमें हमने यूज़ किया है लगभग 10 फीट चौड़ाई के साथ, मतलब 12 फीट तो घर की चौड़ाई है ही, और 10 बाई 12.5 का ये पीछे कमरा है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बड़ा कमरा हो जाता है आपके लिए, और जिसके अंदर हमने इंटीरियर्स यूज़ ज़्यादा नहीं किए हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक बेस वेरिएंट की तरह हमने घर का डिज़ाइन तैयार किया है। दोस्तों, आपको मिलेगा एक बेड और वार्डरोब के लिए जगह, और ये टीवी पैनल वगैरह सेट कर रखा है मैंने। दोस्तों, यहाँ पे इसमें कोई भी विंडो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दरवाज़ा है जो कि एक तरह से ओपन ही होगा। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है 5 फीट चौड़ा और लगभग 60 फीट, सॉरी 7 फीट, 7 से 7.5 फीट के करीब आपको लंबा चौड़ा और 5 फीट लंबा आपके लिए टॉयलेट और बाथरूम मिल जाता है दोस्तों आपको। और दोस्तों, उसके बाद उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है, जैसे ही बाथरूम के बाद आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं। स्टेयर्स की जो चौड़ाई है हमने 3 फीट के करीब रखी है, जो बिल्कुल यहाँ से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ टर्न हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ लास्ट वाले कमरे पे ही आपको सीढ़ियाँ मिलते हैं, मतलब सीधी डायरेक्ट आपको उसकी एंट्री वहाँ पर होगी। और दोस्तों, उसके बाद ये गैलरी जो आपको दिख रही है, पूरी जो प्लॉट की चौड़ाई है उस गैलरी को छोड़कर हमने ये लगभग 3 फीट की गैलरी रखी है, जिसमें आपका पूरे प्लॉट में 1 फीट के करीब लगभग आपकी दीवारें चली जाती है। अगर आप 4 इंच की दीवार क्रिएट करते हो, अगर आप 9 इंच की दीवारें क्रिएट करते हो, तो आपके लिए काफ़ी जगह चली जाएगी। तो दोस्तों, 3 फीट की गैलरी और 1 फीट की जगह, मतलब लगभग आपके लिए 4 फीट की जगह गायब ही हो जाएगी। उसके बाद ये कमरे की चौड़ाई बच जाती है, मतलब लगभग 8 से 8.5, 8 से 9 के बीच में, मतलब 8.5 लगा लो आप, 8.5 फीट चौड़ा और लगभग ये 10 फीट लंबा कमरा हमने डिज़ाइन तैयार कर दिया है, जिसमें आपको एक सिंगल बेड, मे बी आप डबल यूज़ कर सकते हैं, बट मतलब जो भी आप यूज़ करें उसी हिसाब से दोस्तों, जो दिखेगा कुछ इस तरह से, जो आप सामने आप देख ही रहे होंगे, बेड और वार्डरोब वगैरह, अलमीरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं स्लाइडिंग डोर, ताकि आपको किसी भी तरह से कंजस्टेड फील ना हो और दरवाजे आपके लिए जगह ना घेरे। तो दोस्तों, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है किचन। किचन की जो चौड़ाई है वो हमने 6 फीट के करीब रखी है, और दोस्तों इस तरह से ये लंबाई हमने 7 फीट के करीब रखी है, जो 7 बाई 6 की ये किचन हो जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसकी एडजस्टमेंट, मतलब इसकी जो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, वो इसमें मशीन लगेगी, मतलब मशीन कुछ ऐसी इक्विपमेंट अप्लाइंसेस है जो किचन का जो स्मोक होती है, धुआं होता है, डस्ट होती है, गंदगी होती है, वो सीधे सीधे बाहर की तरफ धुआं बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम मतलब किसी आगे वाले कमरे के लिए, साइड वाले कमरे कोई भी यूज़ कर सकता है, उसके लिए एक बाथरूम है। चाहे तो आप इस बाथरूम को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जो कमरे की चौड़ाई है वो लगभग 7.5 फीट के करीब रखी है हमने, और जो इस तरफ से लंबाई 8.5 फीट के करीब है। ये काफ़ी छोटा है, घर का सबसे छोटा कमरा ये होता है दोस्तों। और बाथरूम की चौड़ाई है लगभग 4 फीट है, और आप लंबाई भी इसकी 7 फीट से 7.5 फीट रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मतलब ये किचन और बाथरूम दोनों साइड बाई साइड हैं। तो दोस्तों, ये था इसे ग्राउंड फ्लोर का ओवरऑल डिटेल। आशा करता हूँ ये डिटेल आपको समझ में आ ही गई होंगी, अगर नहीं आई तो कमेंट करके बताएं। और दूसरा, मुझे वीडियो को लाइक करते हुए ये ज़रूर बता दें कि आप इसके ऊपर की वीडियोस देखना चाहते हैं कि नहीं। दोस्तों, ये था इसे ग्राउंड फ्लोर की डिटेल, जो कि मैंने आपको बता दी है। ऊपर के व्यू देखने के लिए कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और उस व्हाट्सअप नंबर पे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी को भी घर का डिज़ाइन तैयार करवाना है तो। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्क्रीन पे जो डिस्प्ले वीडियो आ रही है, वो घर के डिज़ाइन काफ़ी प्रॉपर है, उनको आप देख के आपके घर का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।